इस वक्त की बड़ी जानकारी, प्रोफेसर नाहर और मंत्री डॉक्टर राजकुमार वेरका की मुलाकात हुई। प्रोफेसर नाहर ने मंत्री वेरका के सामने अल्पसंख्यकों की परेशानी को रखा। पंजाब अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन है प्रोफेसर इमैनुअल नाहर, जिन्होंने कैबिनेट मंत्री डॉक्टर राजकुमार वेरका से मुलाकात की। प्रोफेसर इमैनुअल नाहर ने डॉक्टर राजकुमार वेरका के समक्ष अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित लोगों को आ रही समस्याओं से अवगत करवाया। प्रोफेसर इमैनुअल नाहर ने कहा कि पंजाब सरकार द्वारा जिलों के समूह डिप्टी कमिश्नरों को आदेश जारी किए जाएं कि कहीं भी अल्पसंख्यक भाईचारे के बच्चों को प्लस टू तक SC/ST भाईचारे जैसी शिक्षा सुविधाएं दी जाए। अल्पसंख्यक भाईचारे के वो लोग जिनके पास अपने मकान नहीं है, उन्हें 5-5 मरले के प्लॉट दिए जाएं। पंजाब सरकार ऐसा कानून बनाए जिसके तहत सभी मिशनों जैसे कि चर्च, मस्जिद और स्कूलों की जमीन और संपत्ति की सुरक्षा यकीनी बनाई जाए। तो साथ ही साथ उन्होंने कहा कि क्रिश्चियन और मुस्लिम भाईचारे के कब्रिस्तानों की चार दीवारी देखरेख के लिए ग्रांट जारी करने का प्रावधान भी किया जाए। अल्पसंख्यकों के लिए हर जिले में एक कम्युनिटी हॉल बनाया जाए। जानकारी दे दें, इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री डॉक्टर राजकुमार वेरका ने यह विश्वास दिलाया कि वे जल्द ही मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी से समय लेकर अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन और उनके साथियों के साथ मिलेंगे और उनकी मांगे लागू करवाने की अपील करेंगे। तो पंजाब अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन प्रोफेसर इमैनुअल नाहर ने कैबिनेट मंत्री डॉक्टर राजकुमार वेरका से मुलाकात की। साल के 365 दिन 24 घंटे और सातों दिन हर हालात वाकयात की, हर खबर की, हर दस्तक को देखने के लिए ANB न्यूज के YouTube चैनल को करें सब्सक्राइब और Facebook पेज को करें फॉलो। उठाइए रिमोट और जुड़िए ANB न्यूज के साथ। टाटा स्काई चैनल नंबर 1927 और एयरटेल चैनल नंबर 356 पर अब ANB न्यूज JioTV, मोबी ऐप, एयरटेल एक्सट्रीम OTT, इंस्टाग्राम, ट्विटर, गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर भी अवेलेबल है। ANB न्यूज, आपकी बुलंद आवाज, आपकी बात।